नौकरी पेशा की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली, जिससे तनाव में युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में आधार कार्ड पर एक नंबर लिखकर कहा कि मेरी मौत की खबर इस नंबर पर दे देना। पुलिस ने जब लिखे हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो नंबर उसकी पत्नी का निकला। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि 2018 में बड़नगर के उमेश की शादी उज्जैन की रेणु के साथ हुई थी। दोनों के बीच एक साल से ही विवाद होने लगा था। वहीं रेणु अपने मायके चली गई और कुछ समय बाद परिवार वालों ने रेणु की शादी दूसरी जगह पर करा दी। इस बीच उमेश इंदौर आकर नौकरी करने लगा। शादी के पहले रेणु उमेश पर घरेलू हिंसा का भी केस दर्ज करा चुकी है। SI MS टैगोर के मुताबिक नेहरू नगर की गली नंबर 5 में रहने वाले उमेश उर्फ मुन्ना 35 वर्ष पुत्र यशराज चावड़े ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। वहीं घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि मेरे मरने के बाद नंबर पर आत्महत्या की जानकारी दे दी जाए। परिवार में बातचीत में बताया कि उमेश बड़नगर में दुकान पर काम करता था। करीब एक महीने पहले रेणु की शादी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से वो तनाव में था। वहीं बड़नगर से वो इंदौर आ गया, जिसके बाद लगातार उसे नौकरी पर वापस आने के लिए कॉल आते रहे, पर वो वापस नहीं गया। उमेश के परिवार में उसका एक बड़ा और एक छोटा भाई, एक बहन है। सभी एक ही घर में साथ में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक रेणु के माता पिता उज्जैन के रहने वाले थे, जहां 2020 में रेणु ने उमेश पर घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज किया था, जिसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। उसके पत्नी क्या है, 2019 से अलग रह रहे हैं दोनों। पत्नी ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी लगा रहा है। इस कारण से वो शायद एक मेरे सभी टेंशन में था। एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट लिखा है उसमें, उसने सिर्फ यही लिखा है कि इस नंबर पर संपर्क कर लेने। एक मोबाइल नंबर लिखा है, वो नंबर उसकी पत्नी का है।